ठीक है। नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती विदुषी गुप्ता सावित्री नायडू स्कूल से हूँ और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण व्यय विषय। तो चलिए पहले हम बात करते हैं विक्षेपण। तो बच्चों सबसे पहले न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ण विक्षेपण की घटना को बताया। तो उन्होंने क्या किया कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म में डाला तो उन्होंने क्या देखा कि वो सात रंगों में विभक्त हो जाते। ठीक है, जब उन्होंने श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो उन्होंने क्या देखा कि प्रिज्म से सात रंग दिखाई देते। इस घटना को उन्होंने कहा कि जब प्रकाश सात रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को उन्होंने कहा कि ये वर्ण विक्षेपण कहना। प्रकाश का अपने अवयवी सात रंगों में जो विभक्त होने की घटना है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो सात रंग थे कौन कौन से थे क्या बता पाएंगे? देखिए सात रंग थे अग्नि, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी। ये सात रंग वर्ण विक्षेपण में प्राप्त हुए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि जो प्रिज्म है यही सात रंगों में विभक्त हो, जब किसी श्वेत प्रकाश को सात रंगों में विभाजित कर देता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया, एक चक्ती बनाई और उस चक्ती में उन्होंने सात रंग, ये जो सात रंग अभी अपन ने देखे, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, इन सात रंगों को उन्होंने न्यूटन चक्ती पे भी बनाया और उसको तेजी से घुमाया तो उन्होंने वापस क्या देखा कि फिर से सात रंग प्रकाश में दिखाई देते। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो श्वेत प्रकाश है या जो सूर्य का प्रकाश है वो सात रंगों से मिलकर के बना है और इस घटना को उन्होंने कहा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब बात कर रहे हैं विचलन कोण। तो यहाँ पर विचलन कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण का दो निर्गत के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। दो रंगों के, ये मान लीजिए प्रकाश गया, यहाँ गया और ये इस तरह से, ये एक और प्रकाश है कि किरण है और ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये इन दोनों के किरणों के बीच का जो कोण है डेल्टा, इसको उन्होंने कहा कि विचलन। ठीक है, तो किन्हीं दो रंगों की या निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। अब है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं, तो किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यदि हम लाल रंग की किरण के लिए विचलन कोण का मान ले लें डेल्टा आर और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान ले लें डेल्टा बी, तो यहां पर जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा उसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा, इसे हम कहते हैं कोणीय
बांट दीजिए। अब अगर यहाँ पर लाल रंग के प्रिज्म, लाल रंग के किरण के लिए अपवर्तनांक का मान म्यू वी हो, म्यू वी बैंगनी रंग के लिए और म्यू आर हो लाल रंग के, ये क्या है बैंगनी और लाल रंग की किरणों के अपवर्तनांक। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा को प्रदर्शित करें तो डेल्टा बराबर हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए, या आपने पतले प्रिज्म के लिए विचलन का मान पढ़ा। तो यहां पर अगर हम देखें तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा म्यू आर माइनस वन इंटू ए और म्यू वी माइनस वन इंटू ए बराबर हो जाएगा डेल्टा बी, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू बी माइनस वन इंटू ए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर होता है थीटा बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू बी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर और विक्षेपण, ठीक है पूर्णिमण विक्षेपण का मान बैंगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग के लिए लाल रंग की किरण के लिए अपवर्तनांक और इंटू ए। यहाँ पर ए जो है ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता की। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या कहलाएगा, किन्हीं भी दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर ओमेगा बराबर होता है ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे डेल्टा वन। यानी यहां पर थीटा हमने निकाला था बैगनी और लाल का कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य किरण का विचलन, इसे हम क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इन्हीं वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर क्या हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वन, या इसी को हम लिख सकते हैं म्यू बी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस वन इंटू। ओमेगा बराबर आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस वन, तो ये कहलाती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, वर्ण विक्षेपण विचलन के बारे। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन
विक्षेपण रहित विचलन का मतलब होता है कि इस क्रिया में प्रकाश का केवल विचलन होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं, और इसे हम प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन यानी इस क्रिया में प्रकाश का केवल विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता, इस क्रिया को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, हम प्रिज्मों का वर्णक संयोग भी कहते हैं। यहाँ पर हमने रेड और वायलेट दो किरण ली है, एक रेड कलर के लिए है और एक वायलेट कलर के लिए। तो यहाँ पर देखो, यदि लाल और बैंगनी रंग के लिए क्राउन व फ्लिंट कांच या वर्तमान अगर हम ले लें, देखिए बच्चों, यदि लाल और बैंगनी रंग के लिए क्राउन और फ्लिंट कांच के वर्तमान हम ले लें म्यू आर और म्यू बी, ठीक है, ये किसके लिए लिए हमने, क्राउन कांच के। क्राउन कांच के लिए वर्तमान क्या है, म्यू आर और म्यू बी है। इसी तरह से फ्लिंट कांच के वर्तमान यदि हम ले लें म्यू डैश आर और म्यू डैश बी, और यदि इनके अपवर्तक कोण इसके लिए यदि क्राउन कांच के लिए अपवर्तक कोण ए ले लें और फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तक कोण हम क्या ले लें, ए डैश ले लें। तो अब इनके लिए क्राउन कांच के लिए
तो क्राउन कांच के लिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर। प्रिंट कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए। अब लेकिन आपको बताया था कि इस तरह के विषयन में वर्ण विक्षेपण नहीं, तो वर्ण विक्षेपण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए म्यू वी माइनस म्यू आर ए प्लस म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश ए डैश इज जी, इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ए डैश, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इज इक्वल टू ए डैश। अब यहां पर यदि हम a अपॉन a डैश की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर बटे म्यू डैश बी म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर बटे म्यू बी माइनस म्यू आर। या यहीं से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी म्यू म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर और माइनस ये ए डैश की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा आ गया ए अपॉन ए डैश का रेशियो या ए डैश की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे परिणामी हम निकालेंगे परिणामी विचलन की वैल्यू। पहले हम निकालेंगे क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच के लिए माध्य किरण
का विचलन डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू। फिर इसी तरह से फ्लिंट कांच के लिए माध्य किरण डेल्टा डैश वाई बराबर न्यू डैश वाई माइनस वन इंटू एच। अब हम निकाल रहे हैं परिणामी विचलन। परिणामी यहां आ जाएगा डी बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। इसका मान हम रखेंगे डेल्टा वाई का, ये तो हमारा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस डेल्टा डैश वाई माइनस वन इंटू ए। न्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस डेल्टा डैश वाई माइनस वन, और यहां पर हम ए डैश की वैल्यू रख रहे हैं। ए डैश की वैल्यू आई थी हमारी म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू डैश बी म्यू डैश आर, और ये किसमें था माइनस में और इनटू। ये हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश वाई माइनस आर। इसमें से हम म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ले रहे हैं कॉमन, म्यू वाई माइनस वन ए कॉमन ले लेंगे हम, यहां बच जाएगा वन माइनस म्यू वाई माइनस वन म्यू वी माइनस म्यू आर फॉर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। और चूंकि हमने यहाँ पे म्यू वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन लिया है तो यहाँ पर ये आ जाएगा म्यू वाई माइनस वन। अब यहाँ पर हो गया म्यू वाई माइनस वन ए वन माइनस ओमेगा
बटे ओमेगा डैश। अब ये ओमेगा और ओमेगा डैश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने ओमेगा बराबर क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिया था ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, और इसी तरह से ओमेगा डैश बराबर भी हमने लिया था म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर बटे ओमेगा डैश बराबर हमने लिया था म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर बटे म्यू डैश वाई माइनस, इसलिए हमारा ये आ गया वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये था आपका वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। अब हम पढ़ेंगे विचलन रहित वर्ण विच्छेदन, जिसे विचलन नहीं हो रहा है, यानी हमने दो प्रिज्मों को इस तरह से जोड़ा है कि उनमें, यानी दो प्रिज्म को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनके अपवर्तक कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो प्रिज्मों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि इनके अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी ये कोण इसके विपरीत है। इस तरह से हम दो प्रिज्मों को जोड़ करके इस वर्ण विक्षेपण रहित विचलन को भी पूरा करते हैं और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण को भी। इस तरह के अगर दो प्रिज्म हमने इस तरह से जोड़े हैं कि इनके अपवर्तक कोण एक दूसरे से ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमको प्राप्त होता है वो विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें विचलन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, केवल वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर भी देखिए, हम मान लीजिए हमने दो कांच लिए हैं, एक प्रिज्म हमारा क्राउन कांच का है और दूसरा प्रिज्म हमारा क्या है, फ्लिंट कांच का है। और क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच में पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए हमने अपवर्तनांक क्या लिया है, म्यू वाई, ठीक है। इसी तरह से फ्लिंट कांच के लिए हमने ले लिया म्यू डैश, पीले रंग के लिए हमने क्राउन कांच के लिए ले लिया अपवर्तनांक म्यू वाई, और पीले रंग के लिए प्रिंट कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया, म्यू डैश वन। अब यहाँ पर हम निकालेंगे माध्य किरण का विचलन, पहले निकालेंगे क्राउन कांच के लिए फिर प्रिंट कांच के लिए। क्राउन कांच के लिए किरण का विचलन, ये क्या जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल म्यू वाई माइनस वन इंटू ए। फ्रंट कांच के लिए कांच के लिए
किरण विश्रम हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू म्यू डैश y माइनस y a डैश। अब आपने कहा था कि संयोग में विचलन का मान कैसा है, शून्य है, विक्षेपण तो हो रहा है किंतु विचलन का मान कैसा है, शून्य हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया, डेल्टा y प्लस डेल्टा डैश y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डैश वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जब हम यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस वन इंटू प्लस म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश इज इक्वल टू। इसी को हम लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश। यानी इस प्रकार के विचलन में इस प्रकार के जो संयोग होता है इसमें विचलन का मान शून्य होता है, केवल क्या होता है, वर्ण विच्छेपण। अब यहां से अगर हम a अपॉन a डैश की वैल्यू निकालें, अपॉन a डैश की यदि वैल्यू हम निकालते हैं तो आ जाएगी माइनस म्यू डैश वाई अपॉन म्यू वाई माइनस वन, और यहां आ जाएगा म्यू डैश वाई माइनस वन। यदि हम की वैल्यू म्यू वाई माइनस वन ए बटे म्यू डैश वाई माइनस, ये हमारी वैल्यू आ गई अपॉन ए डैश। अब जैसे पहले हमने उसमें परिणामी विचलन निकाला था, अब हम निकालेंगे परिणामी वर्ण विच्छेद। परिणामी वर्ण विच्छेपण, जब परिणामी वर्ण विच्छेपण निकालते हैं तो यहां पे पहले हमें कोणीय वर्ण विच्छेपण का मान निकालना पड़ेगा। तो क्राउन कांच के लिए वर्ण विच्छेपण ये हो जाएगा म्यू पी माइनस म्यू आर और ई। फिर प्रिंट कांच के लिए ओणी ये हो जाएगा म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर और ए। हमने ये क्राउन और प्रिंट कांच के लिए निकाल लिया, अब हम निकाल परिणामी वर्ण विच्छेद। परिणामी वर्ण विच्छेद
ये हो जाएगा थीटा बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर ए प्लस म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर ए डैश। यहां पर हम ए डैश की वैल्यू रखेंगे आप, तो यह हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर ए माइनस म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर आ जाएगा माइनस वन इंटू ए और अपॉन म्यू डैश वाई माइनस। अब इसमें से हम म्यू वाई माइनस वन ए कॉमन ले रहे हैं, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए यदि हम कॉमन लेते हैं तो है नहीं, तो इसका भाग जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन माइनस यहां बचेगा म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर बटे म्यू डैश वाई माइनस वन। यहाँ पर देखिए हमने म्यू वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन लिया है, तो यहाँ पर जब ये इसमें नहीं है तो हमें इसका भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने म्यू वाई माइनस वन ले लिया, ठीक है। म्यू वाई माइनस वन इंटू ए बराबर क्या होता था डेल्टा वाई, और यहां आ गया ओमेगा माइनस डेल्टा वाई ओमेगा ओमेगा। यहां पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू था म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ओमेगा इज इक्वल टू था म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस वन और ओमेगा डैश इज इक्वल टू था म्यू डैश बी माइनस डैश आर बटे म्यू डैश वाई माइनस। तो बच्चों ये था वन विक्षेपण रहित विचलन और विचलन रहे वर्ण विक्षेपण। तो अभी हमने दोनों पढ़े विचलन रहित वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण रहे थे, दोनों तरह के जो विचलन देखे ये देखा संयोग प्रिज्मों का, इसमें हमने क्या किया था दोनों दो प्रिज्मों को लेकर के इस प्रकार से जोड़ा था कि इनके अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत थे। एक में हमने विचलन बराबर किया तो विक्षेपण का मान मिला, एक में हमने विक्षेपण का मान शून्य किया तो हमको परिणामी विचलन, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने दोनों प्रकार के संयोग के बारे में अध्ययन किया, बाकी हम अगले पढ़ेंगे।